नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलो सब लोग, नाश्ता तैयार हो गया है। विक्रम, कबीर, बॉबी, सब लोग आ जाओ। मिस्टर गुलशन बख्शी, तुम भी। हे भगवान। मम्मी, बहुत भूख लगी है। कैंटीन जाना है, बाजार से सामान लेकर आना है। मॉम, क्या बनाया खाने के लिए? मॉम, क्या हुआ मॉम? ओह नो। फिर केक? नाश्ता करेंगे। तीसरी बार केक। कबीर, बॉबी, किधर हो यार तुम? अरे सड़ा। आज प्रिया आ रही है। कौन कौन जा रहा है मेरे साथ स्टेशन? सब लोग जा रहे हैं ना? हाँ? What a cake, अच्छा लग रहा है ना? Terry's design, cream. क्या केक बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए। क्या बात है, तुम लोग चुप क्यों? अरे आज तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए। आज 6 महीने के बाद प्रिया बेटी घर पर आ रही है। आते ही पूरा घर आसमान पर उठा लेगी और ना जाने क्या क्या करेगी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ डैड, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं क्या मतलब? आज तारीख कौन सी है? 5। जी नहीं, आज 3 तारीख है। ये तुमने तीसरी बार किया है गुलशन। हर बार भूल जाते हो और फिर एक एक बना के रख देते हो। हेलो, हम सब जानते हैं कि तुम प्रिया से बेहद प्यार करते हो। हाँ, एक मिनट डैडी से पूछ के बताता हूँ। डैडी, अंजू का फोन है, वो पूछ रही है कि आप उसको स्टेशन के बाहर मिलेंगे अंदर। ओह माय गॉड, तो तुमने उसकी सहेलियों को भी बता दिया कि वो आ जा रही है? बोलो नहीं। हेलो, एक मिनट डैडी आ रहे हैं। अरे यार। हेलो अंजू, सॉरी बेटे, थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। वो आज नहीं आ रही है, कल आ रही है। अरे कल नहीं, परसों आ रही है। अच्छा, वो कल नहीं परसों आ रही है। कबीर, तुम भी पागल हो क्या? डैडी, हम हमेशा आपसे सही कहते हैं, आप ही भूल जाते हैं। हाँ भाई, भूल गया था, भूल गया था। कबीर उठो, उठो। इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? जानते हो ये प्रिया की कुर्सी है। इस कुर्सी पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, जानते हो ना? सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मैं ये भूल गया था कि तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ हो। हाँ यहाँ है, यहीं पर है। या अजय, स्टेशन जाने के लिए आयो? यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड। आओ आप चले। या यस यस, रेडी अंकल, चले स्टेशन। क्या चले, अजीब आदमी हो, आज 5 तारीख है क्या? जी नहीं। तो फिर ये फूल लेकर क्यों चले आए? प्रिया परसों आ रही है, तुमसे किस गधे ने कह दिया कि प्रिया आज आ रही है? जी बोलो ना, बोलो। जी आप ही ने तो कहा था कि घर आ जाना, साथ में स्टेशन चलेंगे। मैंने वो क्या है ना कि ये लोग हमेशा मुझे गलत बात बता देते हैं, प्रिया परसों आ रही है, समझ गए ना बेटा? जी हाँ। बोल क्या चुती है, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। हाँ। अरे इला को क्या हुआ? इला? 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 क्या हुआ इला? इला अब तक कहाँ थे तू? इला बता ना, वाइस प्रिंसिपल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। क्यों? उसने मुझे मैं सब समझ गई, साला लेट पर्वर्ट, हमेशा लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, किसी न किसी बहाने उन्हें अपने कमरे में बुला लेता है, साला लेट। इला क्या हुआ? स्टुपिड इडियट बेशरम, अच्छा वो मैं वहां से भाग गई। भाग क्यों आई? मैं तेरी जगह होती ना, ऐसा थप्पड़ मारती जिंदगी भर याद रखता। कहना आसान है प्रिया, वो वाइस प्रिंसिपल है, चेयरमैन तक उसकी पहुंच है, इसलिए तो अपने प्रिंसिपल साहब भी उसे दबते हैं। वो दबते होंगे, मैं नहीं दबने वाली, थप्पड़ तो मैं जरूर मारती। अच्छा छोड़ ना ये सब चक्कर, चल हम अपना गेम खेलते हैं। अच्छा इला चल, तू भी आ जा, चल ना। रिया 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 की, अब आए ना उन पहाड़ के नीचे, अब बोल क्या चुनती है, ट्रुथ या डेयर? कमा कमा जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। बोलती हूँ डेयर डेयर। अच्छी तरह से सोच ले प्रिया, जो हम कहेंगे ना वही करना पड़ेगा। अच्छा बोलो क्या करना है, खिड़की से छलांग मारनी है? नहीं। ठंडे पानी से नहाना है? नहीं। मैस से काजू चुराने हैं? नहीं। तो फिर क्या करना है? मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कोई नहीं बताएगा, सिर्फ इला बताएगी। कम ऑन इला, गो अहेड। आज स्कूल में हमारा फेयरवेल डे है, हमारी विदाई का आखिरी फंक्शन। वहाँ प्रिंसिपल साहब होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स, ट्रस्टीज और स्टूडेंट्स भी होंगे, और वो वाइस प्रिंसिपल भी होगा। बस इन सब के सामने तुझे जाके उस साले को एक थप्पड़ मारना है। ओह नो! मधुबन स्कूल के वार्षिक महोत्सव पर आप सभी का स्वागत है। आज पूरे भारतवर्ष में मधुबन स्कूल एक आदर्श स्कूल के नाम से जाना जाता है, और ये बड़े गर्व की बात है कि पिछले 15 वर्षों में कमीना मधुबन स्कूल ने प्रिया के कई पायदान थप्पड़ भरना है, और अब बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के विजेता हैं प्रिया, प्रिया, प्रिया। जी हाँ, आपने ठीक कहा, मिस प्रिया बख्शी। जाओ प्रिया, कम ऑन, और याद रखो डेयर। Come on, Priya, dare. Come on. Dare. Dare. Come on. Dare. 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 Priya, उसे थप्पड़ जरूर मारना। Come on, Priya, dare. Priya, dare. 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 मैं मधुबन स्कूल की तरफ से प्रिया को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं प्रिया, कि प्रिया जहां भी जाएगी मधुबन स्कूल का नाम रोशन करेगी। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन प्रिया। प्रिया कांग्रेचुलेशन।
मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि वो प्रिया और नंदिनी सेन जैसी लड़कियों के आदर्शों को सामने रखें और मधुबन स्कूल का नाम रोशन करें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और क्या बात है प्रिया, कुछ कहना चाहती हो? यस सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। ये क्या बदतमीजी है सर? यस, व्हाट द ब्लडी हेल इज दिस? मैंने जो किया है मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमें अपनी टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आदमी हमारे टीचर बनने के लायक ही नहीं है। इनकी गंदी और घिनौनी हरकतों से पूरा स्कूल वाकिफ है। ये किसी न किसी बहाने मासूम लड़कियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और आज जब इन्होंने मेरी सहेली के साथ भी यही करना चाहा, तब हम सब ने फैसला किया कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा और मेरा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और आगे भी मैं वही करती रहूंगी जिंदगी भर। आज इस लड़की ने जो कर दिखाया है इस पर गर्व है मुझे, और अब मैं भी प्रिया की तरह नतीजे की कोई परवाह किए बिना मिस्टर गुलाटी को सस्पेंड करता हूं और इनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर देता हूं। अरे इतनी जल्दी 6 बज गए? अभी तो सोए थे। अभी 6 नहीं बजे, अभी 2 बजे हैं। मैंने 2 बजे का अलार्म लगाया था। 2 बजे का क्यों? अरे भूल गई, आज 5 तारीख है, अपनी प्रिया आने वाली है। लेकिन वो तो 7 बजे की ट्रेन से आने वाली है, सो जाओ। ये मेरी घड़ी में 2 बजे का अलार्म किसने लगाया? भैया हमारी घड़ी में भी किसी ने 2 बजे का अलार्म लगा दिया है। तो किसने लगाया? पापा ये हरकत आपकी है? प्रिया चिक 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 स्टेशन जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। पापा मॉर्निंग अंकल। अजय तुम, यू आर लेट। गाड़ी 7 बजे की है और तुम 7:10 पर आए हो। लेकिन गाड़ी तो अभी तक आई नहीं अंकल। तो क्या हुआ अगर गाड़ी वक्त पर आ जाती तो? लेकिन ये गाड़ी कभी तुम पीठ के पीछे क्या छुपा रहे हो बेटा? कुछ नहीं अंकल। कुछ नहीं छुपा रहे हो? कुछ नहीं। बताओ बेटा क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। बताओ। माय गॉड, तुम्हारा गुलदस्ता मेरे गुलदस्ते से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसे तुम रखो। बेटी तुम्हारी आ रही है या मेरी आ रही है? आपकी बेटी आ रही है अंकल। कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। अरे ठहरो, देखती हूँ न जाने शीशा है कि दिल है,
कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। अरे रे ठहरा देखती हूँ, न जाने शीशा है कि दिल है, कुछ पैरों के नीचे तो है। आने वाली डाउन ट्रेन लैंडस्लाइड होने के कारण 8 घंटे देरी से आएगी। ओह माय गॉड, 8 घंटे लेट, कमाल है। लैंडस्लाइड को भी आज ही होना था। अंकल हम चले वहां। कहां? लैंडस्लाइड की जगह। पागल हो गए हो क्या? हमें क्या पता लैंडस्लाइड कहां हुआ है। ओ हां हां हां, तुम तो प्रिया को बचपन से जानते हो। अरे लैंडस्लाइड हो या अर्थक्वेक, प्रिया आज यहां जरूर पहुंचेगी, देख लेना। No! Stupid! Idiot! कमीने! हद हो गई यार, कोई रुक ही नहीं रहा है। hmm.
अब देखती हूँ ये वाला कैसे नहीं रुकता है। अरे रूसी जल्दी चलनी, फिर लगन में अपने को देर हो जाएगा ना। हाँ पन जल्दी केवी ले जाओ, अरे रास्ता नहीं वस्मा बोला छोकरो जो नहीं। अरे छोकरो नहीं, छोकरी से छोकरी। अरे छोकरी से बने हाथ का हाल आवे। हाथ नहीं लिफ्ट मांगे चलने। लिफ्ट मांगे उसको लिफ्ट दे देना। अरे नहीं नहीं कचरा ना डब्बा ने लिफ्ट आपू तुम्हारी गाड़ी गंदी थी जैसे। ए हाथ रास्ता नहीं वस्मा जी हाथ हाथ नहीं तो गाड़ी ऊपर चढ़ा भी नहीं। बाप रे तू डेरिंग लड़की छे ठेली मिनी जी कुड़ी मारी। रुस्तम गाड़ी रोक। काहे काहे रुस्तम एने लिफ्ट आप। अरे एने लिफ्ट आपू तुम्हारी गाड़ी गंदी छे। रुस्तम नहीं तो मैं भी कूदती हूँ। अरे अरे ले सू करे सू करे। हवे जो पहली पोरी हमारी गाड़ी गंदी की थी ने तो हूँ पन कुड़ी मारी दे बस। हाँ देखो छोकरी गाड़ी में किधर भी हाथ मत लगाना नहीं तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अरे छोकरी तेरा नाम क्या है? प्रिया। क्या? प्रिया। क्या? प्रिया। वो लड़की ने क्या चीख मारी के पूरा डरक रस्ते पे गिर गया। रुस्तम वो लड़की का चीख से थोड़ी हो गया, ये तो मौसम ही ऐसा है ना। मौसम ऐसा लेकिन मगर आगे आगे जाएंगे कैसे, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। डोंट वरी अंकल, मुझे एक रास्ता पता है, शॉर्टकट। अरे नहीं नहीं तुम्हारे शॉर्टकट बॉक्स में मेरे को कोई भरोसा नहीं है, मालूम नहीं उधर क्या डेंजर होएगा। नहीं नहीं बहुत सेफ है, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे मैं नहीं जाऊंगा। तो रुस्तम क्या करेंगे, इधर ही बैठे रहेंगे क्या? तो मैं क्या करूं? अगर छोकरी बोलती है उसको शॉर्टकट मालूम है और सेफ है तो चालनी, चालनी? हाँ, चलो चलो चलो। मेरा गाड़ी को गंदा कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया तेरी वजह से। रूसी चालनी 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 चाल पर गाड़ी चलने के नहीं जुड़े। नहीं बहुत अच्छा शॉर्टकट है अंकल, अभी मालूम पड़ेगा। माय गॉड ये किधर पहुंच गए हम? गाड़ी क्यों रोक दी अंकल, आगे चलाइए ना। अरे आगे कैसे चलाऊं, आगे तो रास्ता ही नहीं है। है मुझे पता है, देखिए वो रास्ता यहाँ से वहाँ तक शॉर्टकट है। सू गेला गांडा नहीं जेम वाट करेस। अरे ये मेरा गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, समझी? रूसी रूसी छोकरी ने बैसवा दे, तू पीछे जा। ए, मारी गाड़ी ने कोई हाथ नहीं लगावे, ये गाड़ी चलेगी सिर्फ मेरे हाथ से। चलो डार्लिंग चलो। ओ गुनाह देखा, तेरी लड़की की ये शॉर्टकट ने मेरे को पानी मिला के रख दिया, मेरी गाड़ी को क्या बोझ समझा है, अब मैं आगे कैसे जाऊं? अंकल आप आराम से जा सकते हैं, पानी इतना गहरा नहीं है, वो देखो आगे रास्ता है। हा? देखो हाँ। ये पानी को तुम रास्ता बोलती है? शट अप रूसी सू शट अप करे छे, छोकरी बोलती है रास्ता है तो रास्ता है, चलो क्रॉस करो। क्रॉस करो ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करूं? हां रूसी क्रॉस करो। ये ले क्रॉस किया, अभी चलता हूं मैं। ए खुदा अंकल थोड़ा राइट लेना ना, राइट अंकल राइट। रूसी छोकरी बोलती राइट तो राइट लेना। अरे मैं कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम नॉट ड्राइविंग, ये तो खोदाई जी गाड़ी चला रहा है और ऊपर से राइट भी इतना ही गहरा है जितना के लेफ्ट। आप परवीन के शादी में कैसे पहुँचेंगे? अगर परवीन के शादी में नहीं पहुँचेगा तो उसके डाइवोर्स में तो जरूर पहुँचेंगे, अगर उधर नहीं पहुँचे तो ऊपर तो डेफिनेटली पहुँचेंगे। देख 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 लेफ्ट साइड कुछ टिल्ट हो रहा है, तेरे को कितनी टाइम बोला डाइटिंग कर डाइटिंग कर। I am sorry, darling. Thank you, auntie. Thank you, uncle. Station pass में है, मैं चली जाऊंगी. Bye bye. नहीं नहीं. ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा. मेरे को भी भूलेगा नहीं कभी. Bye bye. Papa, papa, papa. हाय हाय बेचारी किसी भिखारी की बेटी है, लगता अपने बाप को ढूंढ रही है. कहीं ये प्रिया तो नहीं है, आपको ढूंढ रही है? पापा
प्रिया प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे रहती है कि नीना अजय मुझे लिफ्ट नहीं देता, मुझसे दूर भागता रहता है। बता नीना मैं क्या करूं? अच्छा तो ये नया डेवलपमेंट है, अंजू का चक्कर अजय से। यार चक्कर वक्कर कहां, अभी तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। क्यों, टू वे क्यों नहीं हुआ? यार मैंने उसे पटाने की कितनी कोशिश की लेकिन वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। फिकर ना अंजू, अब मैं आ गई हूँ ना, ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ऐसा घुमाऊंगी कि वो तेरा दीवाना हो जाएगा। प्रिया दीदी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? आज एक जबरदस्त एक्शन सीन होने वाला है। कहाँ? इस पहाड़ के पीछे। वाह!
साहब। राहुल तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। कितनी बार कहा ऐसे खतरनाक खेल मत खेला करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं कि आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? मुझे तुम्हारे लड़कियों के साथ घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार, ये सब क्या है? मैं किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन घूमते फिरते तो हो ना सबके साथ। आज से ये सब बंद। और एक बात और, आज से तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कोई खतरनाक खेल नहीं खेलोगे। राहुल तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? राहुल जवाब दो, राहुल! राहुल, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटे। तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है, उसे समझने की कोशिश करो। जाओ उसे माफी मांगो, कम ऑन। सॉरी मॉम। So I'll see you in the canteen at 4. Yeah. देखो प्रिया, ये तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। All the best, okay? Thank you भैया। अंजू। Hi प्रिया। How are you? Good. अच्छा तुम्हें पता क्या हुआ? क्या? Do you remember that guy? वो सिंगर? Yeah yeah of course. सुखराम, ये सामान अभी तक बाहर क्यों पड़ा है? अंदर क्यों नहीं रखा? साहब जी वो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद है साहब जी। क्या दरवाजा अंदर से बंद है? कौन है अंदर? राहुल, कम ऑन आउट। चलो इसी वक्त बाहर निकलो। आई सेड कम आउट। क्या हुआ विकी, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो यार?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? ये मेरे काम की जगह है, कोई घटिया या बाजार होटल नहीं है। अपनी ये जो घटिया हरकतें हैं ना, कहीं और जाकर करो, समझे? कम ऑन विकी, ये सब तो होता रहता है यार। लेकिन अगर तुझे नहीं पसंद तो आगे नहीं होगा, ओके? कम ऑन तानिया, एक सेकंड, मैं भी आया। विकी, वो लड़की कौन थी यार जिसके साथ तुम आज सुबह कॉलेज आए थे? क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। राहुल, उस लड़की से तुम दूर ही रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, मुझे तो बड़ी चालू दिख रही थी, कल रात किसी और लड़के के साथ, आज सुबह किसी और लड़के के साथ। वो लड़की मेरी बहन है नवाबजादे, तूने अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं वहीं खोद कर तुझे गाड़ डालूंगा। मेरी बात समझ आ रही है ना तुझे? विकी, तुम तो जरा सी बात पे भी भड़क जाते हो यार। जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे हर लड़की किसी ना किसी की बहन तो होती है ना। नहीं लड़ना चाहता। देखिए भैया, मेरी बात तो सुनो। तुझे बोला था ना मेरी बहन के साथ बात नहीं करने के लिए। कोई कसूर नहीं है भैया। तो भैया, बहुत हो गया विकी। भैया, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अच्छा, क्या करेगा भैया? तू मत मारो। क्या करेगा भैया? स्टॉप इट। प्लीज भैया छोड़ो। स्टॉप इट। प्लीज। हटो पीछे। प्लीज। आई से स्टॉप इट। हटो पीछे। क्या हो रहा है ये सब? कैंपस के अंदर मारपीट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओ माय गॉड। He's bleeding. इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। विकी, तुम मेरे ऑफिस में आओ। आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। जाइए। ये सरासर गुंडागर्दी है। एक बाहर का लड़का आकर स्टूडेंट को मारता है, और वो स्टूडेंट कोई और नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अरे उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? कौन है कौन वो? एक मामूली सा कैंटीन वाला। उसने मेरे बेटे को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इसीलिए मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। प्रिंसिपल साहब, हम सब ट्रस्टीज चाहते हैं कि आप फौरन कोई एक्शन लें। हम चाहते हैं कि आप उस कैंटीन वाले का लाइसेंस फौरन रद्द करें और पुलिस को इस कैंपस में आने की इजाजत दें, ताकि उस गुंडे को गिरफ्तार किया जा सके। प्रिंसिपल साहब, देखिए, प्रिंसिपल साहब आप मेरी बात तो सुनिए। प्रिंसिपल साहब, आप मेरे बेटे का लाइसेंस रद्द करवा दीजिए, लेकिन उसे अरेस्ट मत करवाइए प्लीज। मिस्टर बख्शी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको जो कहना है उनसे कहिए। शुभना जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मेरे बेटे को कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन उसे पुलिस से बचा लीजिए। देखिए देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है। शोभना जी प्लीज, ये बात आपके लड़के को पहले सोचनी चाहिए। अब उसने जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। शोभना जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज, समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए शोभना जी प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? लेकिन आपकी मम्मी ने ही तो केस दर्ज किया है मिस्टर मोदी। लेकिन ये झगड़ा हम दोनों के बीच में हुआ है इंस्पेक्टर साहब, और मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता। राहुल, तू ये क्या कह रहा है? उसने तुझे इतना मारा और तू उसे यूं ही छोड़ देगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, जेल भिजवाऊंगी। आप मेरे मामलों में दखल मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने मुझे पहले ही वॉर्न किया था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। गलती इनकी नहीं, मेरी है। राहुल, मॉम प्लीज। सर आप इन्हें जाने दीजिए। सॉरी मैडम, जब इनकी कोई कंप्लेन ही नहीं है तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। सर
आइए बख्श साहब, आप मेरे साथ आइए। आई एम सॉरी विकी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। भैया आप कुछ भी कहो पापा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है, मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद है। ओह, तो आप उसे पहले से जानते हो? ऑफ कोर्स, मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब से वो 10 साल का था, जब उसके फादर की डेथ हुई थी। ओह आई सी, तो वो सारा बिजनेस अकेले संभालता है? हाँ, ये और उसकी माँ, लेकिन कॉलेज से पास होने के बाद सारा बिजनेस उसी ने संभाल लिया। पास होने के बाद? लेकिन पापा वो तो अब भी कॉलेज में है, कल ही तो देखा था आपने उसे। तुम किसकी बात कर रही हो? राहुल की। ओह माय गॉड, राहुल की, मैंने सोचा अजय की बात कर रही हो। उफ पापा, आप अजय की बात कर रहे हो? बहुत अच्छा लड़का है ना? हाँ, और देखने में भी गुड है। हाँ, हैंडसम है, लेकिन ओह माय गॉड, क्या हुआ? मुझे अजय से बहुत जरूरी बात करनी है, वरना अंजू मुझे मार डालेगी। अरे सुनो, अजय, अजय इधर आओ, एक बात पूछूं अजय, सच सच बताओगे? हाँ पूछो। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की वड़की है? लड़की? हाँ लड़की, गर्लफ्रेंड, लवर। अब क्या बताऊं, है भी और नहीं भी। उफ अजय, शायर मत बनो, सच सच बताओ, है या नहीं? है तो सही, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ पक्का पता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ, वो लड़की तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। सच? क्या बात कर रही हो? वो तुम पे जान छिड़कती है। Really? I swear, क्या तुम उसे अकेले में मिलना चाहोगे? हाँ, of course. कब, कहाँ, किधर, कैसे? उफ अजय, इतने उतावले मत हो। मैं तुम्हें आज शाम को फोन करूंगी, ओके? अंजू! क्या हुआ? तेरा मामला फिट हो गया है, आज शाम को तू अजय से मिलके अपनी सारी दिल की बातें कह डालना। अरे अंजू, तुम्हें क्या कर रही हो? What do you mean, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अभी तो तुम मुझे गले लगा रहे थे, मेरे साथ गाना गा रहे थे। गाना गा रहा था मैं तुम्हारे साथ? तभी तो मुझे पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यार? अब देखो देखो अंजू, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। हा? नहीं अजय, अजय, अजय मेरी बात सुनो, अजय, अजय प्लीज ऐसा मत कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। अजय प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अंजू, मैं किसी और से प्यार करता हूँ अंजू, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है। आई एम रियली सॉरी, हां प्लीज प्लीज बाय बाय। लेकिन अजय, रो मत अंजू, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? गले लगाते, गाना गाते और फिर कहते कि मुझसे प्यार नहीं करता। हाउ मीन। पता नहीं किससे प्यार करता है। होगी कोई, तू फिक्र क्यों करती है, मैं जो हूँ ना, बस तू रो मत। प्रिया, गेट अप एंड गॉड ऑफ द क्लास। मैम प्लीज, गेट आउट मैम। हाय राहुल। हाय। उस दिन तुमने जो किया ना, बहुत अच्छा था। मैं तो उसी वक्त तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। सच सच बताऊं, अगर उस दिन तुम नहीं होते ना, तो
एक्सक्यूज मी राहुल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। राहुल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम दूर भाग जाते हो। इट्स सो इंसल्टिंग यू नो, आखिर इसकी वजह क्या है? देखो प्रिया, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दरअसल मैं तुम्हारे भाई विक्रम को और नाराज नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लेकर उसके और मेरे बीच में और झगड़ा या मारपीट हो, इसलिए बेहतर है कि मैं तुमसे दूर रहूं। राहुल क्या सिर्फ यही एक वजह है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते, मुझसे दूर भागते हो? सच सच बताऊं, जानना चाहोगी तुम? हाँ। तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिया, बहुत ही अट्रैक्टिव। तुम्हें कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस हद तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहली मुलाकात से तुम मेरे दिल और दिमाग में बसी हो। तुम्हारी मौजूदगी में मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता और इसी बात से मैं डरता हूँ। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। एक और बात कहूं प्रिया, तुम इस येलो ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। इत्तेफाक से ये मेरा फेवरेट कलर है। क्या पहनूं? कौन सा वाला पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छी, ये तो बहुत ही गंदा है। गुड मॉर्निंग प्रिया। इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग पापा, इट्स अ वेरी बैड मॉर्निंग। प्लीज लीव मी अलोन। ओके पापा प्लीज। आई एम सॉरी। रोहिणी क्या बात है, प्रिया का मूड आज सुबह सुबह ऑफ क्यों है? उसके कॉलेज में फंक्शन है और आपकी लाडली की जिद है कि वो उस फंक्शन में पीली ड्रेस ही पहनेगी। तो इसमें दिक्कत क्या? ला दो ना बाजार से एक ड्रेस। कल मैं उसे लेकर 4 घंटे घूमी हूँ बाजार में, लेकिन उसे तो कोई ड्रेस पसंद आता ही नहीं। अब वो मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उसे अपनी पीली साड़ी दूँ, वो उसे काट कर ड्रेस बनाएगी। मैं नहीं देने वाली कोई साड़ी वाड़ी। अरे दे दो ना, तुम्हारे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं। नहीं मैं क्यों दूँ, वो पहन लेगी कुछ भी। अच्छा ठीक है, मगर बेचारी की। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे फूलचंद जी बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और बहुत अच्छे मूड में है। Really? ओहो कितनी अच्छी बात है, आज तुमने पीली शर्ट पहनी है। आज बेधड़क अपने दिल की बात कह दो, आज सब कुछ हो जाएगा। प्रिया। हाय प्रिया। अजय क्या है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है प्रिया। ठीक है बोलो, सिर्फ 20 सेकंड है तुम्हारे पास। 20 सेकंड? लेकिन प्रिया ये बात 20 सेकंड में पूरी नहीं हो सकती। 17 जल्दी बोलो क्या बात है। 16 देखो देखो प्रिया, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं ना। 14 हाँ साथ साथ खेले हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। 10 याद है जब हम हॉपस्कॉच खेला करते थे, मैं तब से तुम्हें कहना चाहता था प्रिया कि 8 एक बात है, अब बात यह है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अजय, तुम्हारी मम्मी के पास कोई येलो साड़ी होगी? येलो साड़ी? हाँ बाबा येलो साड़ी। येलो शर्ट चलेगी? शर्ट नहीं अजय, साड़ी, येलो साड़ी, बोलो है कि नहीं? हाँ हाँ 4-5 साड़ियाँ हैं लेकिन। वेरी गुड, तो तुम फौरन जाओ और सभी की सभी साड़ियाँ ले आओ। वो तो लाता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो एक मिनट प्रिया। अजय बात सुनने के लिए पूरी जिंदगी बची है, बस तुम जाओ और साड़ी लेके आओ। अच्छा अभी लाता हूँ। नहीं तुम जाओ ना अजय, जाओ तुम जाओ। रुक जा बेटे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ले प्रिया तू जीती मैं हारी, बना ले अपनी ड्रेस जा। ओ मामा यू आर ग्रेट। वो तो मैं हूँ भाई। अच्छा प्रिया तुम्हारा काम तो हो गया है, मैं अपनी बात पूरी करूं? ओह नो अजय, आज नहीं फिर कभी प्लीज। Get on the dance floor. हो गई जवान, तुम सा कोई कहां, मर गई मैं प्यार सुन के तेरे नाल प्यार हो
काफिर अदाओं ने क्या रंग बांधा है, काफिर अदाओं ने क्या रंग बांधा है, कुछ तो बताती जा कहाँ का इरादा है, कहाँ का इरादा है, क्या रंग बांधा है। हाय दिल भर यारा तू कि तेरे नाल प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया। मगर मेरे तो जिगर के पार हुई, तुम नहीं होगा ठीक से पहले फिर से दोबारा सुन के तेरे नाल प्यार हो गया, के तेरे नाल प्यार हो गया। चाहूंगा तुझे मैं इतना, तेरा दिल चाहेगा जितना। चाहूंगा तुझे मैं इतना, तेरा दिल चाहेगा जितना, पर ये सब कुछ करने को बतला दे लगेगा दिन कितना। आएगा मजा तब जीने में, मेरा दिल धड़के तेरे सीने में, फिर बात बने जब हम भीगे ओए दिन भर खा के महीने। काफिर अदाओं ने क्या रंग बांधा है, कुछ तो बता दीजा कहाँ का इरादा है, कहाँ का इरादा है, क्या रंग बांधा है। हाय दिल भर यारा तुम कि तेरे नाल प्यार हो गया, कि तेरे नाल प्यार हो गया। जाने मन जाने जा तुम सा कोई कहा, तुमसे मिलके मैं और हो गई जवान, और हो गई जवान, तुमसे कोई कहा, मर गई मैं तो यार सुन के तेरे नाल प्यार हो गया, के तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार हो गया, के तेरे नाल प्यार हो गया। प्रिया बंद करो ये रोना और हमारी बात सुनो बेटे। मामा आप विकी भैया को क्यों नहीं समझाते, राहुल वैसा लड़का नहीं है जैसा वो सोचते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता, तू तो यहाँ अभी अभी आई है ना, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, सारी हरकतों से वाकिफ हूँ उसकी मैं। अरे कैंटीन में क्या क्या नहीं होता है मेरे सामने, सब कुछ देखा हुआ है मैंने पापा। देखो प्रिया, सिर्फ विकी ही नहीं सबकी राय है कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम उससे मिलना जुलना बंद कर दो। ये आप कह रहे हैं पापा, आपने तो खुद देखा कि उसने विकी भैया को पुलिस से बचाया था। तो क्या हुआ, गलती उसकी थी, मैंने तो उससे पहले कह दिया था कि मेरी बहन के नजदीक मत आना, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं तो उसकी कल भी टांगे तोड़ देता मामी, लेकिन मेरी बहन ही खुद उसके साथ घुसी हुई थी तो मैं क्या करता। देखो बेटी प्रिया, तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है, इसमें अच्छे बुरे का भेद पता ही नहीं चलता। बेटा हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं ना, इसलिए भगवान के लिए तुम उस लड़के से दोस्ती खत्म कर दो, और आज हम सबसे एक वादा करो कि तुम फिर कभी उससे नहीं मिलोगी। चलो
प्रिया, मैं क्या कह रही हूँ, कुछ सुन रही हो तुम? प्रिया, हम सब तुम्हारे अपने हैं, और आज एक अजनबी तुम्हारे लिए हम सबसे ज्यादा हो गया। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उससे नहीं मिलूं, तो प्रिया, राहुल, प्रिया, प्रिया, प्रिया क्या हो गया तुम्हें? क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो? मिलने से क्यों इनकार कर रही हो? प्रिया, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। तुझे मालूम है वो क्या करने जा रहा है? क्या? अपना वही पागलपन। और प्रिया, इस बार तो उसका खेल बहुत ही खतरनाक है। जिसने भी कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। आई स्वेयर प्रिया, पूरे शहर को मालूम है। प्रिया, कहाँ जा रही हो? प्रिया मैम, क्या बात है? मैम, प्रिया, राहुल, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा, टूट के रह जाएगी प्यार में मेरी जान। देखिए आज जान मन, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा, टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान।
मानती हूँ मैं थी मेरी खता जो तुम्हें न समझी। जो हुआ सनम सो हुआ सनम भूल जाओ न जी। अब तो सिवा तुम्हारे नहीं कुछ भी याद जाना। आ एक दूसरे में खो जाए आज हम दम। यूं मिले दो बगल फिर न खोले जुबान। देखिए आज जान मन बोलिए मेहरबान। हमसे यूं मत खेलिए क्यों भला जाने जा। टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान। बाहों के इस भंवर में हम ऐसे डूब जाएं। अपने आप को ढूंढते रहे और न ढूंढ पाए। मेरी तरह से तुम भी सब कुछ लुटा तो जानम। अब जो है पास मेरे सब है तुम्हारा हमदम। अरे यूं लगा आज धरती पे गिर पड़ा आसमान। टूट के रह जाएगी प्यार में मेरी अरे अजय देख प्रिया आ रही है। प्लीज उसे कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे बेटा अजय सुन तो क्या बात है। अरे मेरी बात तो सुन अजय। अजय प्रिया तुझसे मिलना चाहती है। लेकिन मैं उससे नहीं मिलना चाहता माँ। आखिर क्यों बेटा तू उससे बात तो कर वो बहुत परेशान लग रही है। जा बेटा जा। अजय मैं। लेकिन राहुल अच्छा लड़का नहीं है प्रिया। तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती ठीक नहीं है। अजय तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो। समझने की कोशिश करो अजय। मैं घर अकेले नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ आओगे ना तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा। प्लीज अजय प्लीज।
8 बज गए गुलशन, ये कहाँ रह गई लड़की, क्या हुआ होगा? गई होगी उस नवाब जादे के साथ घूमने। ये सारा कसूर आपका है पापा, आप ही के लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया। वरना उसकी ये हिम्मत कि मेरी ही कैंटीन में मेरे सामने उस नवाब जादे के साथ निकल जाए। वह सब मौजूद थे पापा, सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। आई एम अशेम्ड डैड। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा वीके, डोंट वरी। पता नहीं प्रिया को हुआ क्या है, उसने सबसे वादा किया। आने दो प्रिया को, आज मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। इसे मुझे संभालने दो, तुम अंदर जाओ, मैं कहता हूं तुम अंदर जाओ। चलो प्रिया। प्रिया, ये जो विकी ने अभी हमें सब कुछ बताया, क्या वो सच है? जी, मना किया था ना तुमको, हम सब ने समझाया था ना तुम्हें, फिर तुम इस लड़के से क्यों मिली? बोलो, जवाब दो प्रिया, तुम हम सब की बेइज्जती कराने पर क्यों तुली हुई हो? एक्सक्यूज मी आंटी, प्रिया को एहसास है कि उसे गलती हुई है, आप सबको जो दुख पहुंचा है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है, प्लीज आप लोग इसकी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, बताओ क्या वजह है। मैं राहुल से प्यार करती हूँ पापा। What? पापा, वो लड़का एक नंबर का बदमाश, कमीना और फ्लर्ट है, और ये कहती है वो उसे प्यार करती है। वो ऐसा लड़का नहीं है विकी भैया, वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैं तेरी जान ले लूंगा, क्या समझती है? आप मुझे मार डाले विकी भैया, मेरी जान ले लो, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं प्रिया, नहीं बेटे, नहीं नहीं बेटे, बस 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 बस। प्रिया बेटा, तुम्हें लगता है कि उस लड़के में कोई बुराई नहीं है? हाँ पापा। तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना तुम करती हो? हाँ। तुम्हें पूरा यकीन है प्रिया? हाँ मामा। अगर मुझसे राहुल आकर कहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। सच पापा, वो यहाँ आ सकता है? आ सकता है। उसे जाके कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ अभी। हाँ बेटे। थैंक यू पापा। थैंक यू अजय, आज तुम ना होते तो मम्मी पापा कभी मेरी बात ना मानते। प्रिया, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ओ अजय, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू, बाय। एक मिनट प्लीज। जी। मिस्टर राहुल मोदी, उन्हें बुला देंगे प्लीज। यस मैडम। साथ में डाइनिंग रूम है, उधर स्विमिंग पूल। एक मैडम राहुल साहब से मिलना चाहती हूँ। उनसे कह दो कि राहुल साहब घर पर नहीं। तुम रहने दो, मैं खुद बात करती हूँ। क्या बात है, राहुल से क्या काम है? मैं उसकी दोस्त हूँ आंटी, उसे अर्जेंट काम था। तुम वही लड़की हो ना जिसके पीछे उस दिन कॉलेज में झगड़ा हुआ था? तुम्हारे ही भाई ने मेरे बेटे को पीटा था, है ना? जी, लेकिन वो झगड़ा तो खत्म हो गया था ना। तो राहुल से कौन सा अर्जेंट काम आ गया? जी, एक पर्सनल काम था। समझ गई, तुम जैसी बहुत सी लड़कियां आती हैं यहाँ अपना रोना रोने के लिए, लेकिन ये प्यार व्यार का चक्कर इस घर से बाहर चलाओ, खास तौर पर तुम तो दोबारा इस घर की तरफ आने की जुर्रत भी मत करना, समझी?
कैंटीन और होटल वाले इस घर के दरवाजे पे आने लग गए तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। राहुल से मिलना है तो बाहर मिलो, यहाँ नहीं। Now get out. I said get out. तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? राहुल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राहुल, मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आओगे ना मेरे साथ? काफी रात हो चुकी है राहुल, पर कोई बात नहीं, चलो। प्रिया ने मुझे बताया कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। जी हाँ, सच बताया। साथ साथ घूमने फिरने भी जाते हो। जी हाँ। और एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हो। जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें क्या इतराज हो सकता है। लेकिन राहुल बेटा, एक बार तुम्हें अपने माँ बाप से भी बात कर लेनी चाहिए। किस सिलसिले में? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा राहुल, हम ये नहीं कह रहे कि अभी हो, लेकिन पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम दोनों तो शादी करोगे ही। शादी? नहीं आंटी, मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। राहुल, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है अंकल, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। राहुल! क्यों? क्यों नहीं करोगे? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? देखिए अंकल, पहली वजह तो यह है कि मेरे माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे। वो बहुत क्लास कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि मेरी भी शादी एक ऊंचे और दौलतमंद घराने से की जाए। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? चलो, एक वजह तो तुमने बता दी, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है अंकल कि मैं खुद प्रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? राहुल, अगर ऐसा ही था राहुल तो तुमने प्रिया से दोस्ती क्यों की? क्यों उसके पीछे पड़े? माफ कीजिए आंटी, मैं इसके पीछे नहीं पड़ा था, ये मेरे पीछे पड़ी थी। पूछ लीजिए इसे। अरे, मैं तो हूं ही एक नंबर का फ्लर्ट, सारी दुनिया जानती है। कितनी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है, क्या मैं सबसे शादी करता फिरूंगा? बहुत बकवास हो गई इसकी पापा। विकी, एक बार तुमने गलती की और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा कभी मत करना। तुम्हारी बहन तुम्हारी गलती की कीमत अदा कर चुकी है। और अंकल, जहां तक शादी का सवाल है, प्रिया बहुत ही डिसेंट लड़की है, जल्दी से एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राहुल! प्रिया! राहुल! 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 क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। क्या तुम्हारे दिल ने मेरे लिए कभी कोई प्यार महसूस नहीं किया? प्यार मेरे लिए खेल है प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया। राहुल, मैंने तो किया है, सच्चे दिल से किया है राहुल। छोड़ो, प्यार दिखावा नहीं है राहुल, देख लेना, तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे राहुल। ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी। राहुल! राहुल!
अरे भाई साहब नमस्ते प्रणाम बहुत अच्छा किया आप आए अपने भतीजे की शादी में हम ना ऐसा कैसे हो सकता है जीते रहो जीते अच्छा जा बेटा ताऊ जी का सामान ले जा चल अरे क्या कर रहा है आइए आइए और ये देखो ये है ना नीना के रिसेप्शन का जोड़ा है कैसा है ये जो कॉम्बिनेशन ताई जी और ताऊ जी आ गए आ गए चलो मैं भी आई हूं चलो 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 अरे जीती रहो बहू जीती रहो जीती रहो जीती रहो अरे अपने दूल्हे राजा कितने हैं भाई वो क्या बैठे उपटन लगवाने आप आइए तो सही आइए आइए आओ आओ बेटी उठो उठो देखो तो कौन आया है प्रणाम करो जीते रहो पुत्र जीते रहो खुश रहो अरे उपटन के रस्म में अब क्या देर है भाई ताई जी प्रिया आए तब ना पहली हल्दी उसी ने तो लगानी हमारे दूल्हे राजा को अरे तो फिर बुलाओ ना कहाँ है हमारी लाडली ए प्रिया तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है अंदर चलो रस्म चल रही है नाच गाना होने वाला है कम ऑन हाँ भैया चलो मैं चलती हूँ एक मिनट मेरी तरफ देखो तेरी आंखों में आंसू क्यों है आंसू नहीं तो अरे मुझसे क्यों छुपाती है क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं लगता है तू अब तक मुझसे नाराज है ना आपसे नाराज ये कैसे सोच लिया भैया तो फिर इतनी हलचल है लोग हंस बोल रहे हैं खुशियां मना रहे हैं और तू सबसे अलग गुमसुम बैठी हुई है क्या तुझे तेरे भाई की शादी की कोई खुशी नहीं है भैया बहुत खुशी है मैं यूं ही अपने आप में गुम हो गई थी ना मुझे माफ कर दो लेकिन सचमुच अंदर से मैं बहुत खुश हूँ चलो मैं भी नाचूंगी गाऊंगी जो कहेंगी करूंगी
देखो कैसी सज रही सूरत मेरे यार की, मस्ती में क्या झूमती शाम आई प्यार की। गोरियों के बीच में बैठा कैसी शान से, ऐसे ही पूरे हो दिन मेरे भी अरमान के। इन हाथों में भी कोई हाथ आए, अपनी भी सुहाग की रात आए। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा। रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया, देखो यारा मेरा। हेलो अंकल। हेलो विकी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। सॉरी बेटे, इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। क्या बात है अंकल, बताइए। देखो राहुल, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो आज तक जो कुछ भी हुआ है, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी ज्यादतियां हुई हैं, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मुझे जो सजा देना चाहो। कम ऑन विकी, रिलैक्स, वो सब मैं कब का भूल चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है, हमें निराश मत करना बेटा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, जबान नहीं खुल रही है। दरअसल प्रिया माँ बनने वाली है। क्या? Oh my God. अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बेटा। अगर तुम हाँ कर दो तो हो सकता है हम सबकी परेशानियां दूर। एक मिनट अंकल, अगर आपका मतलब शादी से है तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है बेटा, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो क्या होगा उसका? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, जमाने भर में हमारी थू थू होगी, और क्या क्या होगा तुम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते बेटा। देखिए अंकल, आप यही चाहते हैं ना कि आपके खानदान की इज्जत रह जाए, प्रिया की जिंदगी बर्बाद ना हो, उसकी शादी हो जाए ताकि बच्चे को बाप का नाम मिल सके। तो ठीक है, मैं प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। राहुल, ये तू क्या कह रहा है? मम्मी आप बीच में मत बोलिए। थैंक यू राहुल, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, तुमने हमारी लाज रखी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी के दूसरे दिन बाद मैं प्रिया को तलाक दे दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं जानता हूं अंकल, इसीलिए मैं शादी से दूर भागता हूं। प्रिया तो क्या, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। राहुल बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं,
बहन जी आप समझाइए ना इसे, आप भी तो एक बेटे की माँ है, मेरी बेटी तो कहीं की नहीं रहेगी अगर ये उसे तलाक। ये बात तो उसे पहले सोचनी चाहिए थी ना, और किसे पता उसके पेट में किसका बच्चा है, पता नहीं कितनों के साथ घूमती फिरती होगी। मम्मी मैं आपसे कह चुका हूँ आप बीच में मत बोलिए, प्रिया ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो बच्चा मेरा ही है। बेटा जब तुम जानते हो कि वो तुम्हारा बच्चा है तो फिर क्यों? देखिए अंकल, मैंने आपको अपनी शादी की शर्त बता दी, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना अबॉर्शन करवा लेना। राहुल राहुल बेटा ऐसा मत, हमारी बात तो सुनो, करो हमें अधर में छोड़ के मत जाओ बेटा, चले जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए, हम सबकी दुनिया लूट जाएगी बहन जी। दुनिया नहीं, आप तो हमें लूटना चाहते हैं, आपकी नजर हमारी धन दौलत पर है, लेकिन आपकी ये ब्लैकमेलिंग यहाँ नहीं चलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसे लोग नहीं है बहन जी। आप किस किस्म के घटिया लोग हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस शोभना जी बस, चलिए डैडी। लेकिन ये हमारे चलो पापा, जाओ। हमारे मन में ऐसा कुछ पापा, नहीं है चलो। अरे तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि तुम जैसे लोग तो इसी इंतजार में रहते हो कि कब तुम्हारी कुंवारी बेटियां माँ बने और तुम उसकी अच्छी रकम वसूल सको। कैसी बातें कर रही है बहन जी आप, तो संभाल के रखो ना अपनी आवारा बेटी को। राम प्रसाद निकालो उन लोगों को बाहर, और फिर कभी अंदर आए तो बाहर से ही भगा देना। बेटी नीना तू जाकर सो जा, थक गई होगी तू। नहीं मम्मी, मैं भी अब यहीं बैठूंगी आपके पास, वो लोग अभी आते ही होंगे। तू भी क्या सोच रही होगी, आज ही तेरी शादी हुई और तू किस झमेले में फंस गई। आप ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मी, क्या मैं भी अब इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? आपकी हर परेशानी मेरी भी परेशानी है मम्मी। बॉबी कबीर तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जाओ बेटी। नीना जरा तुम भी अपने कमरे में आराम करो। नहीं नहीं नीना यही रहेगी, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या। ये पूछो क्या नहीं हुआ है माँ, इतनी बेइज्जती हुई है हमारी, क्या क्या सुनना पड़ा है पापा को। जी करता है माँ कि अभी बंदूक लेकर जाऊं और सारे के सारे मोदी खानदान को खत्म कर दूं, लेकिन अगर अपना ही सिक्का घोटे तो कोई क्या कर सकता है माँ। अब एक ही रास्ता है रोहिणी, एक ही रास्ता है। Thank you.
प्रिया बेटी। नहीं मम्मी, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। ये तो क्या कह रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं, तुझे ये करना ही पड़ेगा। नहीं मम्मी प्लीज, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन तुमने सोचा है कि इसका अंजाम क्या होगा, हम सब पर क्या बीतेगी? जानती हूँ आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, आप सबकी जिंदगी नरक हो जाएगी। फिर वो नौबत आने से पहले ही मैं ये घर और शहर छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, क्योंकि आज के बाद प्रिया तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। पापा, बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया मैंने, तुम्हें अपना अच्छा बुरा समझने की अकल नहीं है, बच्ची हो तुम, बिल्कुल बच्ची हो अभी। मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा, जानने लगी हूँ कि माँ बनने का मतलब क्या है। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, खुद पढ़ूंगी, इसे भी पढ़ाऊंगी, नौकरी करूंगी, आगे बढ़ूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। ये आसान काम नहीं है, मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं सही हूं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो ठीक है, मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नहीं डैडी। शट अप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो प्रिया निकल जाओ यहां से, गेट आउट, आउट, और अपना सारा सामान भी लेकर जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारी कोई याद इस घर में नहीं देखना चाहता। पूरी दुनिया से लड़ना चाहती हो ना पापा, तो तुम्हारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, तुम्हारे घर से। जाओ, चलो अंदर तुम लोग, चलो तुम लोग, मैं कहता हूँ चलो अंदर। तुमने मेरे साथ क्यों किया प्रिया, क्यों? नफरत करता हूं मैं उससे,
अरे डॉली डॉली जल्दी बाहर आओ बाहर आओ। ए खुदा ये क्या उल्टा पुल्टा कर दिया सब। अरे मेरा बॉडी को रूस नीचे और टॉम जी ऊपर। बाप रे खुदाई जी मारो छपड़ो। रुस्तम रुस्तम तू एकदम लेजी मानुस है। मैं कल तेरे को बोला था इधर का छपरा रिपेयर कर दे रिपेयर कर दे पर तू सुनता ही नहीं है। मारी मर गई। अरे तेरी मर्गी गई होगी डाला चुनने के लिए। लेजी मानस है क्या मुझे सपना आने वाला था कि ऐसे तूफान आएगा करके। डॉली आए जो तूफान के साथ कोई उड़ के इधर आया हुआ है उधर सोया हुआ है। अरे रुस्तम ये तो वही छोकरी है प्रिया। अरे वही जिसे तेरा गाड़ी का उसने मोटरबोट बना दिया था वाटर। वही छोकरी है। अरे बाप रे पहले टाइम मिली थी तो झार गिरा दिया था बीच में और अभी तूफान लेके आई है। बहुत डेंजर छोकरी छे बहुत डेंजर। चलो बाहर करो बाहर बाहर करो इन्हें बाहर बाहर करो इन्हें बाहर निकलो। चलो इन्हें बाहर काली नाक नहीं है बाबा का तबेला समझ के सो गई। प्रिया बेटा अरे रुस्तम इसको तो एकदम बुखार है। बुखार है एकदम। अरे बाप रे चलो इन्हें बेडरूम में ले जाइए। हाँ चलो चलो चलो। अरे होश में आई हाँ प्रिया। हाँ मेरा बेटा घबराओ नहीं बेटा हाँ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर को अभी बुलाया है। मेरा बच्चा मेरी बेटी डिग्री छोकरी रे। लेकिन बेटी तू इधर कैसे आ गई तेरा घर किधर है। हाँ बेटा तेरा घर किधर है। तुम्हारे माँ बाप फिकर करते होंगे ना जवान छोकरी रात को इधर उधर भटक। अरे ना बेटा ना 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 आए तो रड़े छे। मैंने आपसे कह दिया ना कि प्रिया फोन पर नहीं आ सकती है। क्या सुना है आपने किसे सुना। प्रिया को घर से निकाल दिया या नहीं निकाला इसे आपको क्या मतलब है? तो फिर आप अंजू की माँ से बात कर लीजिए लेकिन भगवान के लिए हमें परेशान मत कीजिए। पता नहीं सुबह से किस किस के फोन आ रहे हैं तंग आ गया हूं मैं। तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो। कबीर नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। फोन बजने दो कोई फोन नहीं उठाएगा। मैंने कहा ना कोई फोन नहीं उठाएगा। लेकिन शायद प्रिया का हो। भूल जाओ प्रिया को मर गई प्रिया हमारे लिए। आज के बाद इस घर में प्रिया के बारे में कोई बात नहीं करेगा अंडरस्टैंड। बॉबी कुर्सी उठाओ और अंदर ले जाओ। मैंने कहा ये कुर्सी उठाओ और अंदर ले जाओ। मैं नहीं ले जाऊंगा। कबीर तुम उठाओ एक कुर्सी। मैं कॉलेज जा रहा हूं। ठीक है मैं खुद उठा लेता हूं एक कुर्सी। हेलो यहां कोई प्रिया भैया नहीं रहती है। हेलो कौन शालिनी। हाँ हाँ तुमने ठीक सुना है वो लोग आए थे यहाँ। हाँ हाँ लड़की प्रेग्नेंट है मेरे राहुल को फंसाना चाहती है। मैंने तो भगा दिया उन लोगों को। भाई सुनो तुम भी ख्याल रखना तुम्हारा बेटा भी जवान है कहीं तुम्हारे ही घर ना पहुंच जाए। मैंने तो एक एक को फोन करके होशियार कर दिया है। अरे तो भाड़ में जाए मुझे क्या कहीं जाकर बच्चा गिरवा दे। दुनिया में डॉक्टरों की कमी है क्या। ओके बाय। शोभना जी उस लड़की को कम मत समझिए बड़ी हिम्मत वाली लड़की है वो। अरे वो तो बच्चा पैदा करना चाहती है। क्या ये क्या कह रही हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ शोभना जी मैं सब जानती हूँ। समझ गई वो नवाबजादी अब भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ना चाहती लेकिन वो मुझे नहीं जानती। मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि उसका इस शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा।
अजय बेटा चल, बहुत देर हो गई। बेटा उठ ना, चल। क्यों, क्या हुआ? माँ तुम अकेली चली जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने को। देख बेटा, मैं जानती हूं और इसकी वजह भी जानती हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। मैं नहीं निभाना चाहता माँ, मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकता। अजय तू प्रिया से नाराज है, लेकिन विक्रम और नीना ने क्या किया है? अगर उनके रिसेप्शन पे नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, वो तेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। चल बेटा, सब ठीक हो जाएगा रे, सब ठीक हो जाएगा। चल। ये क्या है माँ, सारे मेहमान कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, चल वहां चल के विश तो करे। हाँ माँ। नमस्ते। थैंक यू सविता जी, आप तो आई। प्लीज मैं खाने वाले को मना करके आता हूं। पूरी होनी चाहिए। सुनो, ये सारा खाना फेंक दो, चाहो तो अपने घर ले जाओ, भिखारियों में बांट दो, जो करना है करो। अब यहां कोई नहीं आएगा, इंतजार करना फिजूल है। बख्शी साहब, आपको बैठना है तो बैठिए, खाना खाना है तो खाना खाइए, लेकिन हमें माफ कीजिएगा, हम घर जा रहे हैं। चलो विद्या। छिपड़ साहब, जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का अफसोस है। अफसोस? अब अफसोस करने से क्या फायदा मिस्टर बख्शी, हमारी नाक तो कटी चुकी है, सारी बिरादरी ने हमारा बॉयकॉट कर दिया है, और ये सब कुछ हुआ है आपकी वजह से। अगर मुझे पता होता कि आपकी बेटी ऐसी है तो मैं नीना की शादी आपके घर में कभी ना करवाता। पापा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बच्ची को गंदी नाली में धकेल दिया हो। पापा ऐसा मत कहिए पापा, अब यही मेरा घर है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। इस घर की इज्जत अब मेरी भी इज्जत है पापा। शाबाश बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा आपने, ऐसे संस्कार दिए हैं हमने अपनी बेटी को, काश आपने भी अपनी बच्ची को कुछ संस्कार दिए होते तो आज हमें यह दिन देखना ना पड़ता। हमारा घर एक घर नहीं, एक गंदी नाली है, और मैंने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, कोई शिक्षा नहीं दी मैंने अपने बच्चों को, कोई संस्कार नहीं दिए, और खासकर अपनी बेटी को, उसे तो कुछ बताया ही नहीं। इसलिए ऐसे मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। और तुम्हारी माँ वहां आंसू बारी है वहां बैठे हुए। जब हम लोगों की हालत है तो बेचारी प्रिया पर क्या बीत रही होगी, कुछ तो सोचो कहाँ होगी वो। कोई जरूरत नहीं प्रिया को बेचारी कहने की, ये सब उसी का किया धरा है, और आज के बाद कोई ये कुर्सी यहां कौन लाया? मैं पूछता हूं, ये कुर्सी वापस यहां कौन लाया? तुम लाए जवाब दो, तुम लाए। कुर्सी तुमने दोबारा रखी, जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कुर्सी तुम यहां लाए। पापा आप मुझे जितना मारना चाहे मार लीजिए, लेकिन प्रिया दीदी को वापस ले आइए। बिल्कुल नहीं, प्रिया आज के बाद इस घर में फिर कभी नहीं आएगी,
और ये कुर्सी तो मैं बाहर ही फेंक दूंगा। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा क्या कर रहे हो? प्रिया कभी यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो, और इस कुर्सी के तो मैं टुकड़े 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 कर दूंगा। प्रिया कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। मर गई प्रिया हमारे लिए, मर गई वो, मर गई प्रिया। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। चलो तुम्हारी दीदी को घर लेकर आते, चलो बेटा। पापा, नहीं यार, हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिली। सर्किट हाउस के पास देखा, सर्किट हाउस पे देखा, माल रोड पे देखा, अंजू के घर पे भी गया था, वहां पर। भाई सन, कम बैक। बॉबी चल, रुको भाई सन, शायद उसको पता प्रिया कहां है। बॉबी चल, बॉबी चल। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं। अपना कोई जैसा भी हो, अपना है वो दूजा नहीं। यही वो मिलन है जो सचमुच है, दिल का करार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया
अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का हुमा क्या कहना। अपने ही तक यूं नहीं ये है सवाल सबके लिए। जीना है तो जग में जियो बन के मिसाल सबके लिए। प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का हुमा क्या कहना। जो हो गया सो हो गया लोगों से तू डरना नहीं। साथी तेरे हैं और भी दुनिया में तू तन्हा नहीं। सामना करेंगे मिलके चाहे दस हो चाहे हजार क्या कहना। शर्मी और बेहयाई की, लेकिन इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। मुझे तो हैरत होती है उस परिवार पर जिसने उसे दोबारा अपना लिया। उन्हीं की शय पाकर वो लड़की पेट फुलाए खुले आम घूमती है, कॉलेज अटेंड करती है, बाजार जाती है,
इस तरह घूमती फिरती है जैसे ये शहर उसके बाप का हो। मैं आप सबसे पूछती हूँ, बताइए क्या असर पड़ेगा इसका हमारे समाज पर, हमारी बहू बेटियों पर? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम यही सिद्धांत और आदर्श सिखाना चाहेंगे? तो फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? मिस्टर छिब्बर, क्या बात है, आप बिल्कुल चुप हैं? रिश्तेदारी को भूल जाइए छिब्बर साहब, यहाँ सवाल उसूलों का है। यस मिस्टर छिब्बर, एक तरफ सिर्फ एक परिवार है और दूसरी तरफ पूरा समाज। उस परिवार ने जो किया है वो गलत है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, गलत है। वेरी गुड, तो इस पर हम फौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे। प्रिंसिपल साहब, कल आपके कॉलेज का एनुअल डे फंक्शन है, इस मुहिम की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। बहुत कम टाइम है, वी हैव टू। सिमरन, अंजू किधर है? हमें नहीं पता, जल्दी चलिए ना, रिहर्सल करनी है। अंजू, 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 हाय एवरीबॉडी, चलो चलो जल्दी रिहर्सल शुरू करते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। शुक्ला जी, प्रिया कहाँ है? हाय प्रिया। क्या बात है अंजू, मैंने देखा है तुम मुझे कई दिनों से अवॉइड कर रही हो, अभी भी मैंने तुम्हें आवाज दी पर तुमने सुना नहीं। प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में थी, आज हमारे शो की फाइनल रिहर्सल है ना, इसीलिए। ओह, मैं अंदर आके देखूं? नहीं प्रिया प्लीज, शाम को स्टेज पे खुद ही देख लेना ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। पहले आपने कहा कि वो अपने मामा के यहाँ गई है, फिर हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला वो वहाँ पहुंची ही नहीं, उसके बाद भी आपने कई सारे झूठ बोले है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, प्रिया बिल्कुल ठीक है, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है मान लिया, लेकिन प्रिया आखिर गई कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि प्रिया के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और ये लोग जानबूझकर ये बात छुपा रहे हैं। हम क्यों छुपाएंगे बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक मिनट, वंदना जी, तुम्हें क्यों लगता है कि प्रिया के साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? प्रिया प्रेग्नेंट थी इंस्पेक्टर साहब, वो माँ बनने वाली थी। वंदना, नहीं बेटा जी, उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे वो तो कुंवारी थी, पता नहीं क्या होगा शुक्ला जी का। हे राम, कैसी लड़की थी वो? अरे अच्छा हुआ मर गई बेचारी, वरना दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाती। चलिए चलिए, जाइए यहाँ से प्लीज, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, जाइए यहाँ से प्लीज, चलिए जाइए। चलो बेटी, हम इन्हें देखने नाटक। नहीं मामा, हम देखेंगे, पूरा देखेंगे। आप बताते क्यों नहीं मिस्टर शुक्ला, आखिर उसकी लाश कहाँ है? लाश, उसकी लाश क्यों होगी इंस्पेक्टर साहब, मैं कह तो रहा हूँ कि वो जिंदा है। वो जिंदा है लेकिन वो है कहाँ? वो यही है इंस्पेक्टर साहब, इस छत के नीचे, इसी घर में। हमने उसको बंद कर रखा है उसका पाप छुपाने के लिए। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सावित्री, प्रिया को ले आओ। क्या हाल बना लिया है तुमने? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रो मत वंदना, सब ठीक हो जाएगा, तू घर जा। तू कहीं की नहीं रही प्रिया,
तू कहे कि नहीं रही। मैं जानती हूँ, पर मैं इसी लायक हूँ। मैंने मैंने एक ऐसा पाप किया है, ऐसा गलत कदम उठाया है कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने अपने माँ बाप को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। समाज के बनाए सारे नियम तोड़ डाले मैंने। इसलिए अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता है। माँ, बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ करना। प्रिया, बेटा, प्रिया, बेटा, यही क्या होगा? प्रिया, 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 ये क्या किया प्रिया तूने? प्रिया, बेटा, प्रिया, प्रिया, इसको शुक्र से संभालिए से, प्लीज। अरे कोई से बचाओ प्रिया, प्रिया, बेटा, बेटा, ये क्या होगा? प्रिया, मत रो सावित्री, मत रो। हमारे भाग्य में यही लिखा था, होने को कौन टाल सकता है। शायद यही उसका प्रायश्चित था। ऐसी दुखद घटनाएं मैंने कितनी बार देखी हैं। कितनी लड़कियों ने इसी तरह जहर खा लिया, कितनों ने अपने आप को जला लिया, और कितनों ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर अपनी जान दे दी। मगर जब भी कोई समाज के नियम तोड़ता है, मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करता है, तो सचमुच उसके पास एक ही रास्ता बचता है, प्रायश्चित। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत मिलेगी प्लीज? ठीक है, जा सकती हो। चुप हो जाइए प्लीज। लेट अस स्पीक यार, साइलेंस। बात तो करने दीजिए उसे, प्लीज कीप क्वाइट। अभी अभी जो आपने नाटक देखा, उसमें जो प्रिया थी वो मैं ही हूं। नाटक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से देखा गया है। इसलिए मैं इस नाटक से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तू कौन होती बोलने वाली बीच में? चुप! और खास तौर पे इसके अंत से, अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। मैंने भी कोई पाप नहीं किया, मैंने प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है। लेकिन हाँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं, इसमें कोई और भी शामिल है मेरे साथ। लेकिन उसने जब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, कौन सा रास्ता अपनाती? वही जो प्रिया ने इस नाटक में अपनाया है। मेरा भी मन किया
कि मैं जहर की शीशी उठा के अपनी जान ले लूं, या फांसी का फंदा लगा लूं, या फिर रेल की पटरी पे जाके लेट जाऊं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग चाहे मुझे उल्टा कहें, गंदी गंदी गालियां दें, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक माँ ही। अगर मेरी शादी हुई होती, मंत्र और फेरे पड़े जाते, तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते, कितना ध्यान देते मेरा। बेटे ऐसा मत कर, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बेटी ऐसा कर, बच्चे को फायदा पहुंचेगा। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। लेकिन सिर्फ फेरे नहीं पड़े तो यही वरदान श्राप बन गया, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। और समाज ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा, जो मेरी जैसी लड़कियां मजबूरी में अपनाती है कि मैं अपना बच्चा गिरा दूं, अपने जिस्म से निकाल फेंकूं, जैसे कोई सड़ा हुआ दांत उखाड़ के अपने जिस्म से निकाल देता है। यानी कि एक सड़े हुए दांत और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं। क्या ये पाप नहीं है? मैं घंटों सोचती रही, तभी अचानक आवाज सुनाई दी। मां, मैंने चौंक के इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसने फिर मुझे पुकारा, मां मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूं, मेरा जन्म तो हो चुका है। मां मैं तेरी कोख में हूं, करवटें बदल रहा हूं, अभी से इस दुनिया को महसूस कर रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं तेरी आंखों से। बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से दुख है, बहुत सी गंदगी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया सुंदर है, जीने लायक है। मैं जीना चाहता हूँ माँ, इस दुनिया में आना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। अगर तूने मेरी हत्या कर दी तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे मत मार माँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे और तब मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ईश्वर के इस वरदान का सम्मान करूंगी, उसे इस दुनिया में लाऊंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, एक मां का फर्ज निभाऊंगी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं?
थैंक यू। थैंक यू। डैड, क्या है बेटा? मैंने कुछ फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। वेरी गुड, तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा सही फैसला किया है। शी इज अ जेम ऑफ अ गर्ल। प्रिया जैसी लड़की तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा रोहिणी, शाम को मिलते हैं। गुलशन भाई होंगे ना घर पे? हाँ ठीक है, आराम से बात होगी। ओके बाय। लेकिन माँ शाम तक क्यों माँ? अरे बेटा, इतना उतावला क्यों हो रहा है? आज शाम को तेरी शादी की बात हो जाएगी, और वैसे भी वो तुझे पहले से ही पसंद करते हैं। युहू! सुनिए ओ दिल जानिए, इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। तुम जैसी भी हो जो भी हो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। हो तुम जैसी भी हो जो भी हो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। मैंने जिस दिल से थामा तेरा दामन सुहाना, छोड़ा सारा जमाना मेरे साजना। मैंने चाहा बहुत तुझे इतना ना चाहूं, पर दिल सुनिए ओ दिल जानिए, इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। हो तुम जैसे भी हो जो भी हो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। जाने जाना था कैसा अनजाना, तुझे ना पहचाना तेरा दीवाना। दिल मेरा हाय सुनाए चला जाए, तेरा ही अफसाना तेरा दीवाना। जीना है तेरे साथ प्रिया। ओ सुनिए ओ दिल जानिए,
इसे खेल न समझो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। तुम जैसी भी हो जो भी हो सनम जी, मैंने तुम्हें प्यार किया। मैंने तुम्हें प्यार किया, मैंने तुम्हें प्यार किया। नमस्ते आंटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? ठीक है, आ जा। तुम वहां बैठो, मैं भी आई। अजय, तुम यहाँ? हाँ प्रिया, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। सोचा भगवान के सामने कह दूं तो ठीक रहेगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? प्रिया, प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्रिया। मैं जानता हूं आप सब मुझे दुत्कारते हैं। मैंने जो किया उसकी माफी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैं आप सब से माफी मांगने आया हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने इस खानदान की सारी खुशियां छीन ली और आज मैं वो खुशियां लौटाना चाहता हूं। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूं। प्रिया, तुम चुप क्यों हो? प्रिया, क्या बोलूं अजय, तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बच्चा तुम्हारा है और शादी के बाद हमारा हो जाएगा। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? सच्चे आंसुओं में बहुत ताकत होती है बेटा। तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है। हाँ बेटे। देखिए, It's okay. Oh. क्या हुआ प्रिया? Oh. प्रिया? Oh. प्रिया? Oh. प्रिया? प्रिया? Oh. प्रिया? भाभी? प्रिया? क्या हुआ प्रिया? Oh. अजय, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और घर में सबको इन्फॉर्म कर दो कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाए। Okay. हरी अप, जल्दी करो, जल्दी लाओ, संभाल के। प्रिया, डोंट वरी। प्रिया, 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 मैं आ गया हूँ। तुम्हारे घर वालों ने मुझे माफ कर दिया है। हाँ बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब जल्दी से खुशखबरी दे दो। I love you, प्रिया। I love you.
आज मैं बहुत खुश हूं प्रिया। मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं इन सबके सामने वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और एक अच्छा जीवन साथी बनकर दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफ तो मैं तुम्हें कर ही चुकी हूं राहुल, वरना यहां तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होती। कंग्रेचुलेशंस राहुल, मुबारक हो प्रिया, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मेरी तरफ से तुम दोनों को शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। शादी? अजय, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की। ये क्या कह रही है? नहीं की तो अब कर दो प्रिया। सॉरी राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम नहीं, तुम्हारा बचपना बोल रहा है बेटी। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारी गोद में राहुल की औलाद है। नहीं अंकल, मेरी गोद में मेरी औलाद है। राहुल के लिए तो ये औलाद उसी दिन मर चुकी थी जब इसने मुझे अबॉर्शन करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने उसे जिंदा रखा, जन्म दिया, इसलिए ये मेरी औलाद है, सिर्फ मेरी। प्रिया, वो मेरी भूल थी प्रिया, मैं अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी राहुल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। तेरे इस फैसले की वजह मैं जान सकती हूँ? मामा, आप ही ने तो कहा था कि पति पत्नी के संबंधों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं, एक दूसरे के लिए इज्जत भी होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि अपने पति के लिए मेरे दिल में वही इज्जत हो जो आपके दिल में पापा के लिए है, लेकिन राहुल वो इज्जत खो चुका है हमेशा के लिए। लेकिन बेटी, अपनी बच्ची के बारे में तो सोच, क्या इसे तू बाप का नाम नहीं देगी? और तू क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? नहीं मामा, मैं शादी करूंगी, लेकिन उस व्यक्ति से जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, जिसने हर दुख हर तकलीफ में मेरा साथ दिया, मेरे पेट में किसी और का बच्चा होते हुए मुझे अपनाने का साहस दिखाया, मुझे उस व्यक्ति पे गर्व है। अजय, उस दिन मंदिर में जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कुछ कह नहीं पाई। उस वक्त हाँ करती तो मेरी मजबूरी लगती, लेकिन आज बात अलग है। अजय, क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? हाँ प्रिया, मुझे तुम पे गर्व है प्रिया। शर्ली, आज मैं बहुत खुश हूं। कंग्रेचुलेशंस अजय, तुम हर लिहाज से मुझसे एक बेहतर इंसान हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। प्रिया, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूं। सदा सुखी रहो। आंटी, अंकल, आपकी मंजूरी और आशीर्वाद चाहिए। बेटे,
शाबाश बेटी, जुग जुग जियो। क्यों भाई फूलचंद, तुम तो हमेशा फूल लेकर आते थे, आज बिना फूलों के आ गए। अंकल आज तो फूल मैं आपसे वसूलूंगा। वो कैसे? ये वाला। इससे अच्छा गुलदस्ता हो सकता है क्या? तो फिर आज से संभालो अपनी प्रिया नंबर टू को। का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार। खुशी का खुमार क्या कहना,